देख तू क्यों नहीं करती मेरा ये काम, अरे ना उस मनहूस से जान छूट जाएगी। काम कर वो, तू ना किसी तरह मेरी सास के कान में ये बात डाल दे कि फायजा की ना कहीं शादी कर देते हैं। कर सकती है तू, कर दे। रिश्ते वाले से करती हूँ बात, उससे कहती हूँ 2-4 तस्वीरें दिखा मुझे, ला के तेरी सास को दिखाती, कोई तो पसंद आएगा ना, और जैसे ही कोई आदमी पसंद आएगा चट मंगनी पट ब्याह ना करवाया तो मेरा नाम भी नुसरत आ रहा है। और नहीं तो क्या, मनहूस जाए। अच्छा चलती हूँ, देर हो जाएगी। कहाँ जा रही है, खाना तो खा के जा। खाना खा के जा, जब मैं आई थी मैंने देखा था, झांका था किचन में, भिंडी पक रही, भिंडी के लिए रुकूंगी, हद होगी, कोई अच्छा पका होता तो रुक भी जाती। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भिंडी के लाकर भेजती, तेरे लिए तो मैंने बारबेक्यू ऑर्डर किया था खास रेस्टोरेंट से, 10 मिनट में आता भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे जाने, तू जा, खैर है मैं खा लूंगी। नहीं ना मेरी बेटी, इतना इसरार कर रही है तो कैसे जा सकती हूँ, खा के ही जाऊंगी, बेटी के पैसे जाया थोड़ी करूंगी, खा लूंगी। बहुत तेज है तू अम्मा। ठीक है मैं साबरा से कहती हूँ कि खाना आ जाए तो इधर रूम में ही ले आए। हाँ बोलती हूँ मैं उसको, खाना भी खाएंगे साथ साथ बातें भी करेंगे, बहुत सारी बातें रहती हैं अभी। हाँ बहुत मासूम बच्ची है मेरी कसम से। क्या भाई ये क्या बना रही हो? गुड़िया स्कूल से आती होगी तो मैं उसके लिए नगेट्स बना रही थी। क्यों, जब घर में खाना बना है तो इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? नहीं मेरा मतलब है कि साबरा ने सबके लिए खाना बनाया है, फ्रिज में रखा है, वो ही खिलाओ ना गुड़िया को भी, इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत पड़ी अलग अलग से खाने बनाकर। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ।